के आज आसमान में बादलों का डेरा है। राजधानी भोपाल में सुबह सुबह राजधानी में हल्की धुंध भी छाई रही, हवाओं का रुख भी बदल गया है। 2.5 डिग्री न्यूनतम पारा चढ़ा है। उत्तरी हवाओं के आने का सिलसिला थोड़ा थमा है। हालांकि 16 दिसंबर से एक बार फिर हवा का रुख उत्तरी होगा और 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड के आसार भी जताए जा रहे हैं। सबसे कम पारा ग्वालियर और नौगांव का रहा। ग्वालियर और नौगांव का पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस है। सुबह सुबह राजधानी में हल्की धुंध भी नजर आई, हवाओं का रुख बदल गया है। उत्तरी हवाओं के आने का सिलसिला थमा है। हालांकि 16 दिसंबर से एक बार फिर हवा का रुख उत्तरी होगा। 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे सहयोगी सूरज का, जो कि हमारे साथ भोपाल से लाइव बने हुए हैं। सूरज, भोपाल में ठंड का एहसास होने लगा है, आज बादल छाए हुए हैं, आगे क्या कुछ आसार? देखिए अब इनका पिछले कुछ समय की बात करें तो पिछले एक हफ्ते से मौसम बार बार बदल रहा है। शायद यही वजह है कि कुछ कभी ठंडी ज़्यादा हो जाती है तो कभी ठंडक कम हो जाती है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगातार बदलते मौसम के कारण सोमवार को दिन और रात का जो टेम्परेचर था उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जो ठंडक थी वो कुछ ना कुछ कम हुई है। माना जा रहा है इस तरीके से वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस बना हुआ है, उत्तर भारत से जो डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जिसके चलते उत्तर से जो आने वाली हवाएं हैं वो नहीं आ पा रही। शायद यही वजह है कि तापमान अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है जिस तरीके से धुंध और कोहरा छटेगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी 2-3 दिन बाद, जिस तरीके से उत्तर भारत से जो हवाएं आएंगी उसके बाद मध्य प्रदेश में ठंडक बढ़ेगी। क्योंकि पिछले 10 दिनों की बात करें तो कुछ दिनों पहले बूंदाबांदी हुई, लगातार कोहरा धुंध छाई, बीच बीच में कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई। मालवा की बात करें, ग्वालियर चंबल की बात करें, रतलाम की बात करें तो कई हिस्सों में बारिश भी हुई थी। राजधानी भोपाल में ही बूंदाबांदी के हालात बने थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि 2-3 दिन बाद इस मौसम में परिवर्तन होगा, जिसके चलते दिन का तापमान और रात का तापमान जो है कमेगा। यानी मान सकते हैं 2-3 दिन बाद अब मध्य प्रदेश में ठंडक अपनी दस्तक देगी। यानी कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए सूरज। सरस से हमारे सहयोगी ने हमें बताया है कि आगे आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से भी यही आशंका जताई जा रही है कि ठंड बढ़ेगी। 16 दिसंबर से एक बार फिर हवा का रुख उत्तरी होगा।